जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए जो कुक और स्वीपर में जो आपका ट्रेड टेस्ट हुआ है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करके पूरा डिटेल आपको बताएंगे। जो भी है रियलिटी है, क्या कुछ आपका चेक किया जा रहा है, ट्रेड टेस्ट में आपका क्या क्या चीज़ पूछा गया है, किस टाइप से आपका प्रैक्टिकली करवाया गया है, इस वीडियो में पूरा ए टू जेड डिटेल बताएंगे। देखिए ऑलरेडी पहले आज कल का रिपोर्ट नहीं है, ये 18 जुलाई के डेट में एक बंदा सिलेक्ट हुए हैं, सिलेक्ट क्वालिफाइड कर गए हैं सब कुछ में, फिजिकल हो गया, ट्रेड टेस्ट में हो गया और वहाँ पे आपका मतलब कि जो हाइट वेट टेस्ट मापा जाता सब कुछ में वो फिट है ऑलरेडी। तो उनके अकॉर्डिंग जो जानकारी आई है वो सब कुछ क्या क्या वो टेस्ट से गुजरे हैं और वो जो बताएं उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको प्रोसेस ऑलरेडी पहले प्रोसेस के बारे में बता दिया है, दो वीडियो बीएसएफ ट्रेडमेंट फिजिकल के बारे में बना चुका हूँ और डॉक्यूमेंट्स को भी लेकर, तो वो वीडियो में मैं एंट्री से लेकर सबसे अंतिम प्रोसेस तक पूरा डिटेल के साथ बता दिया है। लेकिन इस वीडियो में चलिए पूरी जानकारी समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको कहीं पर भी, चाहे दिल्ली हो या बिहार में, कहीं पर भी आपका जिस जगह पर भी आपका फिजिकल हो रहा है ना, उस जगह पे आपका प्रोसेस सब जगह सेम हो रहा है, लेकिन बैच थोड़ा आगे पीछे आजकल में हो जा रहा है। जैसे फर्स्ट डे वाला में 40 का बैच बना था, फिर इस या 20 के डेट में आपका जो बैच बना था वो आपका 150 का बैच बन रहा था, कहीं पे आपका 200 का भी बैच बन रहा है, तो ये थोड़ा डिफरेंस हो जा रहा था बैच, लेकिन जो प्रोसेस है वो आपका सेम टू सेम सभी जगह चल रहा है जैसा रिपोर्ट आ रहा है। तो सबसे पहले आपको एंट्री लिया जा रहा है, एंट्री में आपका दो डॉक्यूमेंट्स चेक किया जा रहा है, एक आईडी प्रूफ के तौर पे आपका एक आधार होना चाहिए या कोई भी एनी आपका होना चाहिए आईडी प्रूफ, और दूसरा आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। जैसे ही आईडी प्रूफ आधार कार्ड आप दिखाएंगे तो वहाँ पे आपका एंट्री दिया जाएगा। एंट्री के बाद आपको सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, वो फॉर्मेट पे पूरा आपका डिटेल्स लिखा हुआ रहता है, जो आपका मतलब कि ट्रेड है, नाम क्या है, राउंड नंबर है, उसमें आपका फिल करना होता है, ठीक है, वहाँ पे साइन मोहर वगैरह वो सब कुछ करते हैं वो फॉर्मेट पे। उसके बाद आपको डायरेक्टली क्या करना होता है कि आपको फिर मतलब कि हाइट चेक किया जाता है। अब ये हाइट जैसे ही आप चेक करेंगे तो उसके हाइट जो होना चाहिए 167.5 सेंटीमीटर, ये आपका हाइट होना जरूरी है। देन आप हाइट में मतलब ठीक ठाक है, हाइट में मतलब पास कर दिए, तो उसके बाद आपको ग्राउंड में लेके जाया जा रहा है, ग्राउंड में आपको 5 किलो का रनिंग करवाया जा रहा है, जो आपका 24 मिनट का पूरा प्रॉपर टाइमिंग दिया जा रहा है। आपका अगर तैयारी रहेगा तो हो जाएंगे पास, ऐसा नहीं कि आपको कम टाइमिंग दिया जा रहा है, आपका 24 मिनट का पूरा टोटली टाइमिंग दिया जा रहा है, 5 किलोमीटर इसमें कंप्लीटेड करना है, ठीक। दूसरा आप उसके बाद आपको हाइट वेट चेस्ट मापा जा रहा है, देन हाइट वेट चेस्ट में भी आप क्वालिफाइड हो जा रहे हैं, पास कर जा रहे हैं, तो उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट में जो आपका हो रहा है कुक और स्वीपर का जो इन्फॉर्मेशन आया है, जैसे कुक का मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं आटा दे दिया जा रहा है, आटा से आपको रोटी बना के दिखाना, आटा आपको कैसे क्या गूंदना है, कितना स्पीड से गूंदना है, आटा कितना होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए, वो आपको समझना है, और रोटी वहाँ पे बना के दिखाना है, बिल्कुल ही फूला हुआ रोटी होना चाहिए, रोटी आपका परफेक्ट बना हुआ होना चाहिए उस वक्त, क्योंकि भाई आप मेन जगह पे आप रोटी बना रहे हैं तो वो सही से बना हुआ होना चाहिए। सबसे पहले आटा आपको गूंदने आना चाहिए। दूसरा आपका आलू और कांदा दिया जा रहा है, ये आपको, और उसके बाद सब्जी के बारे में पूछा जा रहा है, देन उसके बाद मसाले का नाम पूछा जा रहा है, मसाला का आपको पूछ दिया जाएगा, 4 मसाला के नाम बताओ, 6 मसाला का, और ये सब कुछ पूछा गया है। उसके बाद दाल कैसे बनाया जाता है वो आपको पूछा जाएगा, तो आपको बताना है, कहीं पर प्रैक्टिकली भी करवा रहे हैं, कहीं पर डायरेक्टली पूछ भी ले रहे हैं, तो वो आपको कैसे क्या है जवाब देना है। अब सलाद कटवा के बहुत जगह पे पूछा जा रहा है, सलाद कैसे काटना है वो आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली करवा रहे हैं, ऐसा हुआ भी है मतलब दोस्त के साथ ये हुआ है। देन उसके बाद जैसे मेनली जो है ना कुक में यही सब हो रहा है, रोटी चपाती मसाला का नाम बताओ, दाल कैसे बनाया जाता है, मेनली जो यही चीज़ पूछा गया है अभी तक, ठीक है। बाकी अगर कोई भी इसके अकॉर्डिंग कुछ जानकारी आएगी तो हम बता देंगे आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन। फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें स्वीपर में आपका क्या क्या कुछ सवाल पूछा गया है और क्या क्या कुछ पूछा जा सकता है। इसमें पूछा गया है कई तरह का सवाल, जैसे मैं आपको बाथरूम को क्लीन कैसे करना है, बाथरूम वहाँ पे क्लीन भी करवा रहे हैं, ठीक है। कपूर एसिड और मास्क के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए, कपूर एसिड के बारे में, मास्क के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए। वहाँ पे आपका झाड़ू लगवाया जा रहा है और आपका झाड़ू जो लगवाया जा रहा है वो आपका ग्राउंड और रूम दोनों कुछ सफाई करवाया जा रहा है, वो कुछ भी आपको बोल सकते हैं। दूसरा बाथरूम भी आपका सफाई करवाया जा रहा है,
कांच का साफ सफाई कैसे रखना है वो आपका करवाया जा रहा है और वहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखाना है वो सब कुछ करके। फिर आपका फर्श की सफाई करवाया जा रहा है, नाली की भी सफाई उसमें करवाया जा रहा है, आपका काई का भी सफाई, काई होता है ना जैसे मैं जहाँ पे पानी वगैरह ज़्यादा गिर जाता है तो उसके बाद एक मतलब वो जाम हो जाता है, स्लीपर टाइप का हो जाता है, उसमें पाँव रखेंगे तो फिसल के आदमी गिर जाएगा, तो वो भी आपका ये तो मेनली है। तो काई का भी सफाई करा जाए, एसिड का यूज के बारे में, इस्तेमाल के बारे में पूछा जा रहा है और दिया भी जा रहा है। तो ये मेनली स्वीपर में ये सब कुछ सवाल पूछा जा रहा है, तो ये आपको टेस्ट कर लेना है। आपको क्या करना है कि जितना भी साफ सफाई से रिलेटेड काम होता है ना उसको आपको देख लेना है, समझ लेना है, ठीक है, वो आप वहाँ पे कर देंगे, वो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ बड़ी चीज़ बन जाता है, तो उसके हिसाब से आपको देख लेना है, ठीक है। बाकी इसमें जितना था वो मैं आपके साथ जानकारी शेयर कर दिया। तो अगर इसके रिकॉर्डिंग कोई भी आपको लगता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखे, और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।